नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज चैनल। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। शुक्रवार यानी कि 14 जून को यूपी और महाराष्ट्र में मिली हार पर मंथन किया गया। इसी तरह से पंजाब हरियाणा को लेकर बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली है, मगर 370 सीटें जीतने का टारगेट रखकर चल रही बीजेपी का 240 सीटों पर सिमट जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। बीजेपी की हार की प्रमुख वजह तीन राज्य बताए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और शामिल है। इन राज्यों में बीजेपी ने पिछले कुछ चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और नतीजा हम सभी के सामने है। बीजेपी नेताओं ने इस पर बताया है कि जाट, दलित और मुस्लिम वोट एक मुश्त तरीके से विपक्ष को मिले हैं। बीजेपी ने बेहद खराब तरीके से चुनाव मैसेज किया है, जिसमें चुनाव में उम्मीदवारों का सिलेक्शन भी शामिल है। उनका कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों ने भी बाकी विषयों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना दिया है, जिससे तीन राज्यों में पार्टी को 45 सीटों का नुकसान हुआ। आपको बता दें, इस बीच यूपी में बीजेपी की हार की वजह से एक बार फिर से सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व संबंधित मामलों में लापरवाही पर खाकी नाराजगी जताई है। उन्होंने दो हफ्ते में मुख्यमंत्री कार्यालय रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। वहीं राजस्व परिषद के चेयरमैन रजनीश दुबे ने राजस्व मामले की समीक्षा पर लापरवाही बरतने वाले राजस्व अफसरों, जिसमें एडीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री सचिव मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भी राजस्व संबंधी मामलों की समीक्षा में राजस्व संबंधी मामले के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई है। वे जल्द ही अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री यानी कि सीएम योगी को के कार्यालय को सौंपेंगे, जिसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसी प्रकार मिर्जापुर चकबंदी अधिकारी राजेंद्र राम को भी पद का दुरुपयोग करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। वहीं मैनपुरी में कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में चकबंदी अधिकारी मोहम्मद साजिद चकबंदीकर्ता कालीचरण और रविकांत चकबंदी लेखपाल अमित कुमार और अजय कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। मैनपुरी के ही उप संचालक चकबंदी एडीएम एफआर रामजी मिश्रा को कारण बताओ नोटिस तक जारी हो चुका है। आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम जानकारी की अपडेट्स के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़ चैनल। नमस्कार।